इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से करेंगे। रेप केस में दोषी गुरमीत राम रहीम से मिलने वाले मंत्रियों में पंजाब के मंत्री भी शामिल हो गए। पहले हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रम ठाकुर ने जाकर आशीर्वाद लिया और अब पंजाब के मंत्री फौजी सिंह राम रहीम के डेरे में जा पहुंचे। राम रहीम रेप जैसे जघन्य अपराध में दोषी है और देखिए पैरोल पर बाहर आकर दरबार चला रहा है, जहां मंत्री भी आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं। आखिर ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे पंजाब के भी एक मंत्री पहुंचे राम रहीम का आशीर्वाद लेने के लिए। वो राम रहीम जो रेप जैसे जघन्य अपराध का दोषी है, परोल पर बाहर है, कभी सत्संग करता है, कभी बड़े बड़े ऐलान करता है मंच से, और किस तरह से देखिए मंत्री पद पर बैठे शख्स उनके पास जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। रेप केस में दोषी गुरमीत राम रहीम से मिलने वाले मंत्रियों की फेहरिस्त भी लगातार लंबी होती जा रही है और अब इस फेहरिस्त में पंजाब के एक मंत्री का नाम भी शामिल हो गया है। पहले हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रम ठाकुर ने जाकर आशीर्वाद लिया और अब पंजाब के मंत्री फौजा सिंह राम रहीम के डेरे में जा पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए पहले हिमाचल के मंत्री पहुंचे और अब पंजाब के मंत्री भी पहुंच गए राम रहीम का आशीर्वाद लेने के लिए। पैरोल पर वो बाहर है लेकिन किस तरह से देखिए अपना सत्संग कर रहा है। वो लोग जो राम रहीम में आस्था रखते हैं उन लोगों को संबोधित करता है, उनसे मुलाकात करता है, उन्हें आशीर्वाद देता है, दरबार सज रहा है। और हैरानी की बात तो तब होती है जब मंत्री वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। क्या संदेश आखिर देना चाह रहे हैं? राम रहीम के डेरे पर फौजा सिंह का सम्मान भी किया जा रहा है, ये उस वक्त की तस्वीर है। विक्रम ठाकुर ने भी राम रहीम का आशीर्वाद लिया था। एक अपराधी रेप जैसे जघन्य अपराध से जिसका नाम जुड़ा हो, जो कि जेल में सजा काट रहा हो, फिलहाल पैरोल पर वो बाहर है, कैसे राम रहीम को इस तरह की इजाजत मिल रही है कि वो लोगों के सामने दरबार सजा रहा है, सत्संग कर रहा है, लोगों के बीच ज्ञान बांट रहा है। राम रहीम रेप जैसे जघन्य अपराध का दोषी है लेकिन देखिए किस तरह से मंत्री उसके दर पर पहुंच रहे हैं उसका आशीर्वाद लेने के लिए। पैरोल पर बाहर आकर दरबार चलाने की इजाजत आखिर राम रहीम को किस आधार पर मिल रही है? क्यों इस बात पर निगरानी नहीं रखी जा रही है कि बाहर आकर राम रहीम क्या कुछ कर रहा है, किस तरह का संदेश वो उसके दरबार में पहुंचने वाले लोगों तक पहुंचा रहा है? क्या ये समाज के लिए एक अच्छी बात है या फिर इससे बचना चाहिए? राम रहीम के दरबार में पंजाब के मंत्री पहुंचे हैं जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। राम रहीम के डेरे पर फौजा सिंह का सम्मान भी किया जाता है, मंत्री आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पहले विक्रम ठाकुर ने भी राम रहीम का आशीर्वाद लिया था और अब पंजाब के भी एक मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। आपके मंत्री के लिए भी डेरा क्या पूजनीय है? सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सत्येंद्र, एक बहुत बड़ा सवाल है ये हमारे सामने कि समाज को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? मंत्री जा रहे हैं राम रहीम एक रेप के दोषी के दरबार आशीर्वाद लेने। देखिए मनिका, रेप के साथ साथ हत्याओं का भी जो है आरोप नहीं है बल्कि सजा कोर्ट द्वारा सुनाई जा चुकी है। और इसकी बात करें चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल में चुनाव है, हरियाणा में उपचुनाव है, तो जहाँ पर चुनाव है वहां पर मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन पंजाब में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। लेकिन पंजाब के मंत्री भी जिस तरीके से नतमस्तक हो रहे हैं उससे सीधा साधा एक ही जो संदेश निकल कर आता है कि वो जनता जाए तेल लेने, नेताओं को अपनी नेतागिरी से मतलब है और सिर्फ वोट चाहिए, और वोट के लिए वो किसी हद तक किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। और शायद ये एक पहला वाक्य नहीं है, इससे पहले भी तमाम जो है बिल्कुल सत्येंद्र, और उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम की ऑनलाइन सत्संग में भी डेरा प्रेमियों की एक बड़ी संख्या नजर आती है और मंत्री भी वहां पर उसका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं।